ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल. इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड बेसिक नोडल एंड मैश एनालिसिस, है ना. वी हैव स्टार्टेड द लेक्चर बेसिक नोडल एंड मैश एनालिसिस एंड वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक दैट इज नोडल एनालिसिस. ओके, लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास फर्स्ट. ओके, तो द मेथड वी हैव स्टडीड इज बेसिक नोडल एनालिसिस. Second, it's not moving. So, nodal analysis. What we have studied various steps to solve the nodal analysis. You need not to memorize these steps, okay? जब आप क्वेश्चंस करोगे तो बेसिकली आपको ये अपने आप याद हो जाएंगे कि भी मुझे कौन सी स्टेप फॉलो करनी है ना. ओके, सो व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस इजीली, है ना. नो नीड टू रिमेम्बर दिस स्टेप्स. ओके, नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड दैट फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई हाउ मेनी नोड्स आर देयर. ओके, द फर्स्ट वी हैव सॉल्व दिस एग्जांपल दैट सपोज देयर आर टू नोड्स, देन वी हैव टू आइडेंटिफाई वन नोड एज ए रेफरेंस नोड. जहाँ रेफरेंस नोड हम इसको मानेंगे जहाँ पे मैक्सिमम ब्रांचेस टर्मिनेट कर रही हैं, और ग्राउंड पोटेंशियल को हम रेफरेंस नोड मानेंगे. सो देर आर थ्री नोड्स एंड दिस जीरो इज माई रेफरेंस नोड. ओके, अब हम आगे क्या सॉल्व करते हैं, नोड वोल्टेज निकालनी है हमें. तो हम क्या करते हैं कि हर एक नोड पे बेसिकली केसीएल अप्लाई करते हैं. ठीक है, दिस वी हैव स्टडीड इन नोडल एनालिसिस बाय सॉल्विंग केसीएल इक्वेशंस. नाउ नेक्स्ट वी हैव सीन द सुपर नोड. सुपर नोड बेसिकली जो आपके, अगर आपके पास कोई वोल्टेज सोर्स नहीं गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास इफ यू हैव वोल्टेज सोर्स, इफ द वोल्टेज सोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन नॉन रेफरेंस नोड दैट इज वी वन एंड बिटवीन दैट रेफरेंस नोड, अगर वी वन और आपके नॉन रेफरेंस और रेफरेंस नोड के बीच में अगर आपकी वोल्टेज है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वी वन की वोल्टेज ही डायरेक्ट कितनी हो जाएगी, 10 वोल्ट. दिक्कत कब आती है, जब आपकी एक वोल्टेज सोर्स दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में पाई जाती है, जैसे ये 5 वोल्ट है. ओके, इस नोड को हम क्या कहेंगे, सुपर नोड. और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, इनकमिंग ब्रांचेस इक्वल टू आउटगोइंग ब्रांचेस, यानी केसीएल लगाएंगे. ठीक है, इस ब्रांच के अंदर मुझे करंट नहीं पता तो, ये हमने एग्जाम्पल देखा था. ठीक है, देर आर टू केसेस द सुपर नोड, ये एग्जाम्पल देखा था हमने. इस नोड को ही 22 वोल्ट को यहाँ पे एनालाइज करके यहाँ पे केसीएल लगाया था. ठीक है, दिस थिंग वी हैव सीन इन प्रीवियस क्लास. ओके, नाउ इन टुडेज लेक्चर वी विल बी स्टडीइंग दैट इज मैश एनालिसिस. ओके, व्हाट इज मैश एनालिसिस. इन फर्स्ट और सेकंड क्लास वी हैव स्टडीड नोड्स, लूप्स, पाथ. ठीक है, तो लूप क्या है, बेसिकली लूप को ही हम मैश कहते हैं. ठीक है, मैश इज ए लूप दैट डज नॉट कंटेन एनी अदर लूप विद इन इट. ये इंपॉर्टेंट है भाई, लूप के अंदर बहुत सारे लूप हो सकते हैं भाई, एक लूप के अंदर दूसरा लूप भी हो सकता है, तीसरा भी लूप हो सकता है, लेकिन वो तब आपके मैश नहीं कहलाएगी. ठीक है, मैश इज ए लूप ओनली दैट डज नॉट कंटेन एनी अदर लूप विद इन इट. ठीक है, अब अगर हमने देखा था नोडल एनालिसिस में हमने किस कौन से लॉ को बेसिकली अप्लाई किया था, केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ. मैश एनालिसिस के अंदर नॉर्मली 90% केसेस में हम क्या करेंगे, यूज करेंगे केवीएल का, और कुछ न्यूमेरिकल्स के अंदर केसीएल का भी यूज करेंगे, बट मेजर वी विल बी अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लो. ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं, नोडल एनालिसिस अप्लाइज केसीएल टू फाइंड अननोन वोल्टेजेस इन ए गिवन सर्किट, व्हाइल मैश एनालिसिस अप्लाइज केवीएल टू फाइंड अननोन करंट्स. नोडल एनालिसिस से हम बेसिकली क्या फाइंड करते थे, वोल्टेज. ठीक है, नोड वोल्टेजेस. अगर आपको कहे कि मैश जो भी लूप है, लूप के अंदर करंट क्या होगा, आई वन आई टू, तो हम नॉर्मली हम मैश एनालिसिस करेंगे. ये इस टॉपिक के एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि भाई कब मुझे मैश एनालिसिस लगानी है अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और कब मुझे नोड लगानी है. ठीक है, और अगर दोनों ही लग रही है, मैश भी लग रही है नोड भी लग रही है, तो मैं कौन किसको प्रिफर करूंगा, दैट वी विल डिस्कस आफ्टर दिस टॉपिक. ओके, तो सबसे पहले जो मैश एनालिसिस का जो मेन आपके है कि भाई मैश एनालिसिस तभी लग सकता है जब आपका सर्किट क्या हो, बेसिकली प्लानर. ओके, प्लानर क्या होता है, प्लानर इज एक ही प्लेन में. ठीक है, जैसे ये आपको एक सर्किट दिख रहा है, एक ही प्लेन में है, कोई भी दो ब्रांचेस इंटरसेक्ट नहीं कर रही. ठीक है, ऊपर से नहीं आ रही. ठीक है, तो फर्स्ट मैश एनालिसिस तभी लग सकता है जब आपका
जो भी सर्किट है वो प्लानर हो, अगर प्लानर नहीं है तो उसको कन्वर्ट करिए आपके इसके अंदर प्लानर, रीअरेंज करके, ओके। तो अ प्लानर सर्किट इज वन दैट कैन बी ड्रॉन इन अ प्लेन विद नो ब्रांचेस क्रॉसिंग वन अनदर, ओके, अदरवाइज इट इज नॉन प्लानर। एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है एक सर्किट विद टू मैशेज, ए बी सी डी ई एफ, एक सर्किट दिख रहा है आपको, ओके। दो मैंने करंट बना दिए, एक तो आई वन, दिस इज माई आई वन, दिस इज माई आई टू, ठीक है। अब आपको एक दिख रहा होगा कि ए बी ई एफ एक लूप बन रहा है, ए बी सपोज दिस ए बी ई एफ एक लूप बन रहा है, ओके। ऐसे ही इस लूप को हमने कह दिया आई वन, तो ये मेरा मैश हो गया, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा बन रहा है, बी सी डी ई एफ, ठीक है, ये भी आपका क्या क्या कर रहा है, आपका लूप बन रहा है। तो दो हो गए। अब आप देख रहे होंगे कि मेरे पास एक लूप और बन सकता है, कौन सा, बड़ा वाला, ए बी सी डी ई एफ ए, ओके, दिस इज अ लूप बट इट इज नॉट अ मैश, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग वाले आई वन क्या थे, आपके लूप भी थे और मैश भी थे, क्योंकि ये मैश क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी दो लूप्स प्रेजेंट हैं। तो मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी, मैश इज ए लूप विच इज नॉट कंटेनिंग एनी फर्दर लूप्स, ये देखा था, ठीक है। तो अगर हम कहेंगे कि कितने लूप्स, कितने मैश हैं, दो, और लूप आप तीन बना सकते हो इससे, ठीक है। तो यही चीज मैंने यहाँ पे नीचे थ्योरी में लिख रखी है, ओके। अब नेक्स्ट करते हैं स्टेप्स टू फाइंड, क्या क्या स्टेप्स हैं, जैसे हमने नोडल एनालिसिस में, तो ये भी रिमेंबर नहीं रखनी है, लेकिन फिर भी अगर आप भूल जाओ आदत हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, स्टेप वन, सबसे पहले आपको पता लगाना है कि मेरा सर्किट प्लानर है कि नहीं, ठीक है। अगर नॉन प्लानर है तो उसको रीअरेंज करके प्लानर करो, अगर नहीं होता तो आप मैश एनालिसिस नहीं लगा सकते, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप विल बी डिटरमाइन इफ द सर्किट इज अ प्लानर सर्किट, इफ नॉट परफॉर्म नोडल एनालिसिस इंस्टेड। अगर नहीं कन्वर्ट हो रहा है तो आपको, नॉन प्लानर है तो आपको सीधी सी बात है नोडल एनालिसिस लगा लो, ज्यादा आसान रहेगा, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करते थे, काउंट द नंबर ऑफ मैशेज, ठीक है। और अगर कॉम्प्लेक्स सर्किट लग रहा है तो आपको रीड्रॉ करके उसको सिंपल बना सकते हो। तो नाउ एम क्या है मेरी, नंबर ऑफ मैच, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था कितनी थी नंबर ऑफ मैशेज, दो, तीन नहीं थी, तीन लूप थे बट मैशेज टू थी, ओके। नाउ नेक्स्ट लेबल ईच ऑफ द मैश, जैसे नोडल वोल्टेज को हमने V1, V2 जैसे किया था, मैश को भी हमें क्या करना पड़ेगा, 1, 2, 3, I1, I2, ऐसे, ठीक है। और आप उसका फ्लो कैसे भी कर सकते हो, जैसे ये एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कहूँ दिस, तो इसमें आप देख रहे हो, आप ऐसे भी बना सकते हो क्लॉकवाइज भी इस मैश को, या फिर ऐसे भी बना सकते हो इस डायरेक्शन में, आई वन, आपकी मर्जी है, ठीक है। तब वो करंट नेगेटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो है आप एक ही यूनिफॉर्मिटी फॉलो करिए, तो बेस्ट ऑप्शन है कि हमेशा आप मैश को क्लॉकवाइज ही लीजिए, ठीक है। दिस आई वन आई टू, ओके, दोनों ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इनको बेसिकली हमें क्या करना है, डिनोट करना है आई वन आई टू से, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना है, ठीक है। फोर्थ स्टेप विल बी राइटिंग द केवीएल इक्वेशंस, ठीक है। सिंपल, लूप वन के अंदर केवीएल इक्वेशंस लिखिए और लूप टू के अंदर, क्योंकि केवीएल इक्वेशंस लूप एक क्लोज्ड पाथ के अंदर ही अप्लाई होती है, ओके। Now the step fifth is कि अगर कुछ additional unknowns दे रखे हैं आपको, current source दे रखी है, कुछ भी दे रखा है, वो भी आप represent कर सकते हो, ठीक है। अगर dependent source दे रखा है तो उससे भी एक equation आ सकती है, ये सारे question हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर the step six will be the organize the equations group terms according to mesh currents, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, जो equations जितनी बनी हैं उनको organize करना है ताकि simple solve कर सकें। और step seven है basically solve the system of equations finally। और कितनी इक्वेशंस बनेंगी, जितनी नंबर ऑफ मैश होंगे, ठीक है। इतनी मिनिमम इक्वेशंस तो बनी सकती हैं, और ज्यादा तो बनेंगी, लेकिन अगर आपके पास एम नंबर ऑफ मैश है और आपकी इक्वेशन नहीं बन रही एम के बराबर, कम बन रही है, तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, ओके। तो दीज आर द स्टेप्स वी विल फॉलो डूइंग द क्वेश्चंस, ठीक है। लेट्स इलस्ट्रेट दिस स्टेप्स इन इन दिस सर्किट, ओके। सेम सर्किट ही है मैंने, ए बी सी डी ई एफ, ओके। दो लूप्स है मेरे पास, I1, I2, ओके, और दूसरा A, B, C, D, E, F, मैं लूप नहीं ले रहा, सॉरी लूप नहीं ले रहा क्योंकि वो मैश नहीं है। तो दो मैशेस हैं, ठीक है। और तो इक्वेशंस कितनी बनेंगी, दो, ओके। तो सबसे पहले हम स्टेप वन को फॉलो करते हैं, भाई आपका प्लानर है सर्किट, यस, कोई भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, कोई ऊपर से नहीं जा रही, प्लानर है, तो हम लगा सकते हैं मैश एनालिसिस। फिर सेकेंड हम करते हैं कि भाई आपको लूप मैशेस कितनी है वो गिननी है, वो आइडेंटिफाई करनी, वो आइडेंटिफाई कर ली हमने कितनी है, दो है, ओके। उसके बाद में हमने क्या किया,
इनको क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर आई वन दिस दिस आई वन एंड दिस इज आई टू, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया. ओके अब ये हो गया. इसके बाद में हमें क्या करना है, और इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सोर्स दे रखा है नहीं दे रखा कोई दिक्कत नहीं, तो हम इसमें केवीएल लगा लेते हैं सिंपल. ठीक है, तो लूप फर्स्ट कौन सा आई वन करंट जो फ्लो कर रहा है, इसमें केवीएल क्या लगेगा देखो, दिस विल बी द केवीएल. चलो यहां से चलते हैं, इस डायरेक्शन में चलते हैं. पहले साइन कौन सा आया, माइनस. पैसिव साइन कन्वेंशन हम अप्लाई कर रहे हैं, और सबसे फिर से बता दूं आपको, वोल्टेज ड्रॉप को हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव, और वोल्टेज राइज को नेगेटिव. तो हम यहां से गए तो नेगेटिव साइन पहले आया, तो माइनस वी वन. ओके दिस इज वी वन. ओके माइनस वी वन, फिर क्या आएगा आयो, इसमें हमेशा रेजिस्टेंस के अंदर हमेशा ड्रॉप होता है तो पॉजिटिव ही आएगा, और करंट का डायरेक्शन देख लीजिए क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो पॉजिटिव ही आएगा. प्लस आई वन आयर वन प्लस. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज वाली बात है, इसके अंदर दो करंट फ्लो कर रहे हैं, I1 तो नीचे की तरफ और I2 दूसरा लूप का करंट ऊपर की तरफ. तो आप हमेशा जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसी करंट को मानोगे पहले बड़ा. तो आप चल रहे हो R3 into I1 minus I2. ओके ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार गलती कर देते हो आप, इज इक्वल टू जीरो. तो एक KVL इक्वेशन बन गई कौन सी, लूप फर्स्ट की. ठीक है, लूप सेकंड की लगा लेते हैं. चलो यहां से चालू करते हैं दिस, तो क्या आएगा बताओ, आप बताओ. I2 R2, ठीक है, इस डायरेक्शन में चले, फिर कौन सा साइन आया, प्लस. तो प्लस V2, दिस इज V2. ओके फिर हम गए यहाँ पे R3, अब कौन सा डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं हम, I2 वाला, ये ऊपर जा रहा है तो हम इसको I2 को बढ़ा लेंगे क्योंकि पॉजिटिव ले रहे हैं. तो R3 into I2 minus I1 is equal to 0. This is the equation second. ठीक है, यही इक्वेशन अप्लाई किया सिंपल. अब मेरे पास अननोन कितने हैं, दो अननोन है, मुझे I1 और I2 फाइंड करना है. मेरे पास V1 V2 गिवन है, रेजिस्टेंस भी गिवन है सारे, तो मुझे I1 I2 दो इक्वेशन चाहिए. सिंपल मैथमेटिक्स है, आप सॉल्व कर सकते हो टू ऑब्टेन मैश करंट्स एंड I1 एंड I2. दिस इज द सिंपल मेथड हाउ टू अप्लाई अ मैश एनालिसिस. ठीक है, ठीक है. दूसरा एक और ये चीज नोट करने वाली चीज है, अगर इफ ए सर्किट हैज n नोड्स, अगर आपके पास n नंबर ऑफ नोड्स है, B कितनी है, ब्रांचेज है, B stands for branches, and L stands for loop or meshes, independent loops. ठीक है, L stands for independent loops or meshes, क्योंकि independent loops को ही हम meshes कहते हैं. Okay, then ये equation हमेशा valid रहेगी. L is equal to B minus N plus 1. Okay, here यहाँ पे L क्या है आपका, independent simultaneous equations are required to solve the circuit using मैश एनालिसिस. अगर आपको कहीं कितनी इक्वेशंस चाहिए तो आप इस फॉर्मूला लगा सकते हो. जैसे इसको हम अप्लाई करते हैं, चलो इसके अंदर इस सर्किट में अप्लाई करते हैं. सबसे पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी थी, 1 2 3 4 5. तो देर आर 5 ब्रांचेस. ओके एंड हाउ मेनी नोड्स आर देर, ए बी सी एंड ई. एफ और डी नहीं है नोड, क्योंकि F और E D एक ही कॉमन है. ठीक है, फोर्थ तो चार नोड्स हैं मेरे पास. ठीक है, चलो देखते हैं इस इक्वेशन में अप्लाई करते हैं. सॉरी, ओके ब्रांचेस 5 माइनस नोड्स 4, 5 माइनस 4 1 एंड प्लस 1 तो कितना हो गया, L कितनी आ गई, 2. टू मैसेज शुड बी देयर, और टू मैसेज, दो इक्वेशन लिखी थी हमने, दो मैसेज, तो ये भी वैलिड हो गया. ओके नाउ जैसे हमने नोड एनालिसिस के अंदर क्या देखा था कि भी सिंपल सर्किट के अंदर वोल्टेजेस नहीं गिवन है. ठीक है, अब अगर नोड के पास में एक वोल्टेज सोर्स आ जाए, ओके ऐसे ही करंट, करंट मैश एनालिसिस के अंदर क्या आ जाए, करंट सोर्स. ठीक है, तो द सेकंड वी विल बी स्टडीइंग इज मैश एनालिसिस विद करंट सोर्सेस. ठीक है, अब दो केस है इसके अंदर भी. याद करो जब नोडल एनालिसिस हमने कर रहे थे, एक एक्स्ट्रा आपका वोल्टेज सोर्स अगर रेफरेंस नोड और नॉन रेफरेंस नोड के बीच में है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में है तो सुपर नोड बन जाता है, थोड़ा अपना काम थोड़ा हेक्टिक हो जाता है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. बट यहाँ पे मैश एनालिसिस के अंदर उल्टा है, अगर करंट सोर्सेस आपकी प्रेजेंट है, दोनों दो केस स्टडी करेंगे, दोनों केस के अंदर हमें बेसिकली फायदा होगा, हमारी नंबर ऑफ इक्वेशंस रिड्यूस हो जाएंगी और हमारा जो क्वेश्चन है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी अगर करंट सोर्स प्रेजेंट है तो. यहाँ पे हमारा फायदा का सौदा है. ठीक है, तो दो केस हैं. अगर पहला केस, अगर आपकी करंट सोर्स एक इंडिपेंडेंट मैस के अंदर है, इंडिपेंडेंट मैस मतलब आपको दिख रहा है ये 5 एम्पियर है इसके अंदर, तो ये आई टू वाले लूप के अंदर ही प्रेजेंट है. क्या आई वन में प्रेजेंट है, नहीं है, तो इसके अंदर तो कुछ नहीं है, आपकी एक इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी. कैसे, देखो सबसे पहले लूप वन आपने आइडेंटिफाई किया, लूप वन में एक केवीएल इक्वेशन लिख लीजिए, ये रही माइनस टेन
plus 4 i1 plus 6 i1 minus i2 equal to 0. ठीक है, दूसरे लूप में इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपने क्लॉकवाइज चला. अब इस लूप के अंदर i2 करंट फ्लो कर रहा है और ये मुझे गिवन है कितना 5 एम्पियर, तो i2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 5 क्योंकि उल्टे अपोजिट डायरेक्शन में. तो एक इक्वेशन मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट i2 इज इक्वल टू माइनस 5 एम्पियर मेरे को मिल गया है और इसकी वैल्यू इसमें पुट करके i1 डायरेक्ट आ जाएगा. तो ये केस वन सिंपल. ठीक है, ये केस फर्स्ट था जब हमारी करंट की इक्वेशन, करंट सोर्स आपके सिर्फ एक लूप में प्रेजेंट थी. ठीक है, अब अगर इस करंट सोर्स ये बीच वाले में प्रेजेंट हो जाए तो चलो उससे पहले सपोज अगर करंट, ये वाली करंट सोर्स आपकी लूप फर्स्ट में प्रेजेंट हो, सपोज यहाँ पे प्रेजेंट हो, यहाँ पे इसमें सीरीज में, ठीक है, तब भी क्या होगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है. ओके, तब भी इजीली सॉल्व हो जाएगा. अब नेक्स्ट जब तीसरा केस क्या है, दोनों के लिए दोनों मैशेस के अंदर प्रेजेंट है, कॉमन है, आई वन में भी आ रहा है और आई टू में भी आ रहा है. ओके, तब कौन सी कंडीशन आएगी, सुपर मैश की, जहां पे सुपर नोड था यहाँ पे क्या आएगा, सुपर मैश. यहाँ पे इसके आने से क्या होगा, आपकी नंबर ऑफ मैशेस रिड्यूस हो जाएंगे. क्यों, तब मैं क्या करूंगा, ये जो बाहर वाला चीज है इसे ही कंसिडर करूंगा, ये दो लूप मेरे को करने की जरूरत नहीं है. क्यों, देखिए केस टू, ठीक है, केस टू समझ में आ गया, यही चीज मैंने यहाँ पे थ्योरी में लिखी है, ये एग्जाम्पल, दिस इज द एग्जाम्पल. तब क्या करना है, ये देखो करंट सोर्स आ गया, दोनों मैश के लिए कॉमन है, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर कुछ लिखने की जरूरत नहीं, इसको हटाई दो पूरी, इसके अंदर जो इसको हटा के रीअरेंज करके मैंने ये लिखा है. देखो अब इसमें आई वन है और इसमें आई टू है, तो चलो एक केवीएल इक्वेशन यहाँ पे लगा लेते हैं. इसके अंदर क्या आएगा, देखो माइनस 20, यहाँ से चलते हैं तो माइनस 20 6 आई वन क्योंकि इसमें आई वन करंट फ्लो कर रहा है. ओके, प्लस 10 आई टू. ओके, 10 आई टू, फिर हम यहाँ गए तो क्या आएगा 4 आई टू, ये रहा इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 1, एक बाहर वाले जो लूप है उसी को मैंने कंसिडर कर दिया, बीच में हटा दिया. ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि मेरे पास i1 और i2 तो आ गया, मुझे एक इक्वेशन और चाहिए. तो KVL ना लगा के हम इस नोड पे, इस जीरोथ नोड पे, यहाँ पे दिख रहा है जहां पे हमने हटाया था, यहाँ पे हम क्या लगा दें, KCL. सिंपल, ये दिख रहा है i1 यहाँ से निकल रहा है, i2 यहाँ से जा रहा है और ये 6 एम्पियर. तो सिंपल आप लगा सकते हो इसके अंदर क्या, i1 plus 6 is equal to i2. ओके, okay, i2 is equal to i1 plus 6. तो ये दो इक्वेशन आ गई, एक KVL लगी और एक KCL. तो जब भी सुपर मैश आएगा तब आपके एक KCL इक्वेशंस लगेगी लगेगी. ओके, और KVL इक्वेशन से आपकी ज्यादा आसान है, फटाफट सॉल्व कर लोगे. नहीं तो आप क्या करोगे, इसमें KVL अलग अलग लगाओगे, इसमें KVL लगाओगे, क्यों डबल मेहनत करो. तो सुपर मैश यहाँ पे, सुपर नोड हमारे लिए वहां पे थोड़ा हेक्टिक पड़ जाता था, बट यहाँ पे मैश एनालिसिस में अगर सुपर मैश बनता है तो हमारे लिए फायदे का सौदा है. ओके, तो ये हम एग्जाम्पल से करेंगे. ठीक है, स्टेप्स वही है, सेम फॉलो करेंगे. ओके, इसको एग्जाम्पल से कर लेंगे. तो दिस इज सम नोट आई हैव प्रिपेयर्ड. ओके, ये आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, अब हम कंपैरिजन करते हैं दोनों का. ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि आप एक क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हो एग्जाम में ना, जहां तक है आरटी में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जहां पे आपको कहेगा कि सॉल्व दिस क्वेश्चन विद नोडल एनालिसिस और सॉल्व दिस सर्किट विद मैश एनालिसिस. बट एक ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि क्वेश्चन दे दिया कैलकुलेट इट्स वोल्टेज, कैलकुलेट करंट, तो आपके पास दोनों मेथड है, मैश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस. तो अगर आपने सपोज उस क्वेश्चन को नोडल एनालिसिस किया तो वो 3 पेज में खत्म हो रहा है. ठीक है, बहुत हेक्टिक बन गया. अगर उस क्वेश्चन को हमने मैथ एनालिसिस से किया तो वो 1 पेज में खत्म हो रहा है. तो आपको पहचानना पड़ेगा कि विच मेथड आई नीड टू यूज एट दैट सर्किट. ओके, तो वो कैसे, इस कंपैरिजन के अंदर. ठीक है, आफ्टर स्टडीइंग बोथ द मेथड्स इट इज इनविटेबल टू आस्क दैट विच मेथड इज बेटर, कौन सा है, ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा. बट अभी भी मैं बता दूं आपको 90% केस के अंदर हम यूज करेंगे नोडल एनालिसिस. लेकिन फिर भी आपको अगर मैथ वाला क्वेश्चन दिया जाए तो उसमें कैसे करना, देखो सबसे पहले फर्स्ट में क्या है, सबसे पहले आपको कंपेयर करना है. अगर आपको याद होगा नोडल एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, नोडल एनालिसिस के अंदर हम नोड वोल्टेज निकालते हैं. ओके, और मैश एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, मैश के जो भी आपके मैशेस हैं, लूप है, उसके अंदर करंट निकालते हैं. ओके, तो सबसे पहले आपने पहले स्टेप में क्या किया था, आपको ये निकालना है नंबर ऑफ नोड वोल्टेजेस. और मैंने ये भी बताया था जितने नंबर ऑफ नोड वोल्टेज होंगे उतनी नंबर ऑफ इक्वेशंस होंगी. ऐसे मैश एनालिसिस के अंदर भी जितनी नंबर ऑफ मैशेस होंगी उतनी नंबर ऑफ करंट की आपकी केवल इक्वेशंस होंगी. ओके, ये कैलकुलेट करना है. तो आप कोई क्वेश्चंस में आप सबसे पहले आप कैलकुलेट करना है कितनी नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं. आप क्या चाहते हो, नंबर ऑफ इक्वेशंस क्या हो, कम हो.
ठीक है, तो फर्स्ट वी कंपेयर द नंबर ऑफ इक्वेशंस रिक्वायर्ड फॉर ईच मेथड इफ सर्किट हैज फ्यूअर नोड्स, मतलब अगर आपके कोई सर्किट के अंदर नंबर ऑफ नोड्स कम है इससे मैसेज में, अगर मैश सपोज 3 है और नंबर ऑफ नोड्स 2 ही बन रही है, तो हम नोडल एनालिसिस के पास जाएंगे, क्योंकि हम दो इक्वेशन से ही सॉल्व कर सकते हैं, क्यों फालतू में तीसरी इक्वेशन बेसिकली इन्वेंट करें। ओके, तो वी शुड यूज द नोड वोल्टेज मेथड। अगर उल्टा हो, अगर सर्किट के पास नंबर ऑफ मैशेज सपोज 2 हो और नंबर ऑफ नोड वोल्टेज 3 हो या 4 हो, जो भी हो, तो हम उस सर्किट को किससे सॉल्व करेंगे, मैश एनालिसिस। तो ये तो हुआ पहला केस, आराम से पहचान लोगे। लेकिन अब आप क्वेश्चन ये है कि भाई अगर आप बोलोगे कि सर भाई नंबर ऑफ नोड्स भी सेम हुई और नंबर ऑफ मैसेज भी सेम हुई, यानी नंबर ऑफ नोड वोल्टेज भी 3 आ रही है भाई और नंबर ऑफ मैसेज भी कितनी आ रही है, 3 आ रही है, तब क्या करोगे? तब आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में देख, क्वेश्चन में पूछा क्या है उसने। अगर उसने क्वेश्चन में पूछा है कि भाई हर एक की नोड वोल्टेज निकालो, तो मैं मैश एनालिसिस क्यों करूंगा, मैं सीधा नोड वोल्टेज ही अप्लाई करूंगा। ओके, तब आपको देखना है क्वेश्चन में पूछा क्या है। और अगर उस क्वेश्चन में पूछा है कि भाई ब्रांचेस की करंट निकालो, तो करंट किससे निकलेगा, ज्यादातर इक्वेशन से निकले, तो नोड वोल्टेज भी निकलेगा, नोड एनालिसिस भी निकल जाएगा, लेकिन वो हैप्टिक पड़ेगा। पहले नोड वोल्टेज निकालो, फिर करंट निकालने के लिए उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाय रेजिस्टेंस करो वोल्टेजेस को, तो वो लंबा पड़ जाएगा। बट अगर करंट ही पूछा है इसने डायरेक्ट, तो हम क्या करेंगे, मैश एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो सिंपल है, ब्रांच और मैश करंट्स आर रिक्वायर्ड, इट मे बी बेटर टू यूज मैश एनालिसिस, एंड इफ वी नीड टू इफ द क्वेश्चन आस्क टू आइडेंटिफाई द या कैलकुलेट द वोल्टेज, देन वी विल बी यूजिंग नोडल एनालिसिस। ओके, सो दिस इज द बेस्ट, दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन नोडल एनालिसिस एंड मैश एनालिसिस। यहां पे अपने ये टॉपिक खत्म होते हैं, लेट्स डू सम फ्यू एग्जांपल्स। ओके, फर्स्ट है ये आप पे है, अब दूसरा इसको जैसे कि इस क्वेश्चन पे बोल ही दिया कि कैलकुलेट द नोड वोल्टेजेस इन द सर्किट, नोड वोल्टेज, तो सीधी सी बात है हम मैश एनालिसिस थोड़ी लगाएंगे इसके अंदर, हम क्या लगाएंगे, नोड एनालिसिस लगाएंगे। आप मैश एनालिसिस लगा के भी सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं, नोड वोल्टेज भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्यों लंबा रास्ता तय करो जब आपके पास शॉर्ट है आपके पास। ठीक है, तो हम इसके अंदर बेसिकली क्या यूज करेंगे, नोडल एनालिसिस। तो आपको जो ब्लैक वाला जो दिख रहा है, ये हमारे पास गिवन है नोड। सबसे पहले नोडल एनालिसिस में हमें क्या करना था, कि हमें आइडेंटिफाई करनी है कि नंबर ऑफ नोड वोल्टेजेस कितनी है। ओके, तो नंबर ऑफ नोड वोल्टेजेस सबसे पहली बात 1, 2 और 3, इसको हमने क्या कह दिया, रेफरेंस नोड, ये 0 हो गई हमारी, तो मेरे पास मुझे इसकी वैल्यू तो 0 आ गई, तो मेरे पास 2 ही आ गई, 1 और 2, तो मुझे क्या निकालना है, V1 और V2 ये निकालना, नोड वोल्टेजेस निकालना। तो आपको क्या करना है, इस पे क्वेश्चन लिखना है, एक सेकेंड, इसमें आपको क्या करना है, केसीएल इक्वेशन लिखनी है। तो अब आपको गिवन नहीं है डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट गिवन नहीं है, तो आप अज्यूम कर लो, आपकी मर्जी है। जैसे जो ग्रीन साइन है, ये मैंने अज्यूम किया, दिस इज माय I1, दिस इज माय I2, दिस इज माय I3, आपकी मर्जी, इनके डायरेक्शंस आप उल्टा भी कंसिडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, I1 को आप ये भी मान सकते हो, तो I1 की वैल्यू -5 एम्पियर हो जाएगी। ओके, तो ज्यादातर जहां पे उसी डायरेक्शन मानो जहां पे आपको, जैसे I4 है, जैसे इस नोड पे I4 आप ऐसे भी मान सकते हो, बट I4 की वैल्यू कितनी थी, -10। तो इससे अच्छा ये है कि जिस डायरेक्शन में करंट सोर्स दे रखा है उसी डायरेक्शन में आप करंट मान लो I4। ओके, तो ये ध्यान रखने वाली चीज है। चलो इसको अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे V1 पे, तो अगर आप इस नोड पे आप KCL इक्वेशन लिखोगे तो क्या आएगा, I1 = I2 + I3। ओके, I1 = I2 + I3, ये KCL इक्वेशन लिख दी। अब मुझे बस करंट लिखना है। अब करंट I1 आपको गिवन है, कितना है, 5 एम्पियर लिख दिया मैंने। I2, व्हाट इज I2, I2 इज द करंट फ्लोइंग फ्रॉम V1 और V2। ओके, तो ये हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होगा, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल डिवाइड बाई 4, ये तो करंट फ्लो करेगा इसके अंदर। तो I2 की जगह क्या लिख दिया मैंने, V1 - V2 / 4। ओके, प्लस नेक्स्ट I3 क्या लिखोगे, हाई पोटेंशियल, करंट का डायरेक्शन देखो नीचे की तरफ जा रहा है, तो हाई पोटेंशियल कौन सा हो, V1 - 0 / 2, तो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट नोड पे, नोड 2 पे KCL लिख लो, KCL क्या आएगा, I1 आपका यहाँ पे तो कर रहा है, एक सेकेंड, ओके, नाउ अब इसके अंदर आप इक्वेशंस लिखोगे तो सिंपल KCL लगाओ नोड 2 पे, I2 + I4 = I5 + I1।
ओके ये लग गया। अब सेम फिर से आई टू की जगह क्या लिखोगे, आई टू, ये आई टू इस डायरेक्शन में, तो वी वन माइनस वी टू अपॉन फोर। फिर आई फोर, आई फोर कौन सा, ये डायरेक्शन सेम, 10 एम्पियर हो गया, 10 एम्पियर डायरेक्ट लिख दिया। आई फाइव वी टू माइनस जीरो अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है, प्लस आई वन, आई वन मुझे पता है कितना है आपका, 5 एम्पियर, तो वो लिख दिया। ठीक है, दो इक्वेशन, दो नोड वोल्टेज, अननोन वोल्टेज, वी वन और वी टू, ये आपके आ गया। वी वन की हमारी वैल्यू आई 13.33 वोल्ट और वी टू की वैल्यू आई 20 वोल्ट, सिंपल नोडल एनालिसिस किया। ठीक है, तो होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, डिटरमाइन द वोल्टेज एट द नोड्स इन द सर्किट, फिर से इसमें नोड वोल्टेज बोला है, नोड्स के अक्रॉस वोल्टेज निकालो, तो हम फिर से क्या लगाएंगे, नोडल एनालिसिस लगाएंगे। फिर से पहले स्टेप, नंबर ऑफ नोड्स गिनो, नंबर ऑफ नोड्स कौन सी हैं, ये 1 2 3, ठीक है, और ये 4, 4 हमारी जीरो रेफरेंस नोड होगी। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, वी वन निकालना है, वी टू निकालना है और वी थ्री निकालना है। ओके, और आपकी नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी आएंगी, तीन ही आएंगी, तीन अननोन है। ठीक है, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आप देखो, सुपर नोड बन रहा है कहीं, नहीं बन रहा, एक डायरेक्ट ये वाली जो नोड है वी थ्री और वी नोड के बीच में एक करंट सोर्स दे रखा है, यहाँ पे भी करंट सोर्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ देख रहे हो डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट सोर्स से कई स्टूडेंट्स घबराते हैं, घबराओ मत, एज इट इज जो दे रखा है सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये करंट सोर्स है या वोल्टेज सोर्स है, दिस इज माई करंट सोर्स, एरो का डायरेक्शन देखिए, और उसकी वैल्यू कितनी है, 2 IX, और IX की वैल्यू क्या है, ये इस ब्रांच के अंदर 1 से लेके 2 ब्रांच के अंदर जो भी करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू क्या है, IX। ओके, ये मुझे गिवन है। अब ये गिवन है, इसके अलावा मैंने क्या अज्यूम कर लिया, इस ब्रांच के अंदर करंट क्या माना है, I1। देखो डायरेक्शन, इस ब्रांच के अंदर 2 से 3 के बीच में मैंने क्या मान लिया, I2। क्या मुझे इसके अंदर अज्यूम करने की जरूरत है, नहीं, गिवन है मेरे पास 2 IX। इस 4 AM के अंदर मुझे गिवन नहीं है, तो मैंने इसको अज्यूम कर लिया I3। ओके, IX मुझे इसमें पता है, और इस वाली ब्रांच के अंदर 3 एम्पियर मुझे पता है। तो तीन आपके नोड वोल्टेजेस, तीन इक्वेशंस। तो सबसे पहले नोड वन के अंदर अगर आप इक्वेशन लगाओगे, करंट इक्वेशन लगाओगे, तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे I1 ऊपर की तरफ है, तो मैं ये लिख सकता हूँ 3 एम्पियर इज इक्वल टू I1 प्लस IX। ओके, ये रहा 3 एम्पियर इज इक्वल टू I1 प्लस IX। सेम नोड टू पे देखो, नोड टू पे क्या आएगा, IX इज इक्वल टू I2 प्लस I3, KCL लगा लिया यहाँ पे। ऐसे नोड थ्री पे आप देखिए, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 2 IX, बन गया 2 IX। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, सिंपल एज इट इज उनकी ओम्स लॉ लगाना है। I1 को, I1 कौन सा I1, ये रहा I1, करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है, V1 वोल्टेज से V3 के बीच में, तो V1 माइनस V3 अपॉन रेजिस्टेंस कौन सा, 4, ये तो करंट फ्लो करेगा। एंड व्हाट इज माय IX, है ना, IX क्या होगा, V1 माइनस V2, ओके दिस इज नॉट माइनस, ओके कंफ्यूज मत हो जाना, V1 माइनस V2 अपॉन 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। देन इक्वेशन नंबर 2, IX को भी आप एज इट इज लिख दोगे, I2 को भी एज इट इज लिख दोगे, I3 को भी एज इट इज लिख दोगे आप, सिंपल वोल्टेज के फॉर्म में ओम्स लॉ लगा के, सिंपल नोड 3 के अंदर। नोड 3 के अंदर ध्यान रखने वाली चीज क्या है, I1 की जगह रख दिया, I2 लिख दिया, 2 IX। अब बोलोगे IX क्या लिखूंगा, IX मुझे पता है ये रहा, तो IX की जगह क्या लिख दूंगा, डायरेक्ट V1 माइनस V2 अपॉन 2। तीन इक्वेशंस, तीन नोड वोल्टेजेस, अननोन, सिंपल मैथमेटिक्स, तो आप इससे कैलकुलेट कर लो। ठीक है, ये ओके, नाउ नेक्स्ट ये है। अब ये क्वेश्चन आ गया, फॉर द सर्किट बिलो फाइंड द ब्रांच करंट्स, अगर इसने बोला कि ब्रांच करंट्स फाइंड करो, ठीक है, और ये मैश एनालिसिस इसने बोल दिया कि I1, I2, I3 यूजिंग मैश एनालिसिस, आपको I1, I2, I3 ये गिवन है ब्लैक कलर में, ये आइडेंटिफाई करना है यूजिंग मैश एनालिसिस। अगर आपको मैश एनालिसिस भी नहीं बोलता, तो नोड वोल्टेज से भी आप कर सकते हो, लेकिन हम क्या करेंगे, मैश से करेंगे, क्योंकि इसने ब्रांच करंट पूछे, तो क्यों मैं पहले वोल्टेज कैलकुलेट करूं और फिर मैं नोड वोल्टेज की तरफ जाऊं, फिर मैश करंट की तरफ जाऊं, इससे अच्छा पहले मैश एनालिसिस लगा दूं। अगर ये गिवन नहीं होता तो भी हम मैश एनालिसिस से ही करते इसको, ठीक है, जो हमने कंपेयर किया था। तो आप देख सकते हो इसके अंदर 15, ओके, दो लूप, सबसे पहले नंबर ऑफ मैशेस प्लानर है कि नहीं प्लानर, यस इट इज प्लानर, एक ही प्लेन में है, दूसरा दो मैश बन रही है, एक तो ये रही और एक ये रही, आप इसको क्लॉकवाइज ले लीजिए, ठीक है, ले लिया। अब आप सोच रहे हो कि बड़ी वाली भी बन रही है, लेकिन बड़ी वाली मैश नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगा, लूप, जो हम उसको लेंगे,
ओके चलो अब इसके अंदर फर्स्ट आ गया ये आई वन आई टू आई थ्री ओके। तो आई वन इस डायरेक्शन में चलते हैं तो केवीएल इक्वेशन लिखनी है तो क्या आएगा माइनस 15 यहाँ गए फिर क्या आया 5 I1 फिर यहाँ पे 10 I3 लिख सकते हो या फिर आप क्या लिख दो सिंपल 10 I1 माइनस I2 I1 नीचे की जा रहा है I2 यहाँ इस ब्रांच में ऊपर की तरफ जा रहा है लूप मैश 2 की वजह से ठीक है। तो 10 I1 फिर हम कहाँ गए नीचे गए तो कौन सा साइन आया प्लस तो प्लस 10 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 ओके I3 एलिमिनेट होगी। फिर हम इसमें चलते हैं फिर से यहाँ से चलते हैं 6 I2 4 I2 फिर यहाँ गए तो कौन सा साइन आया माइनस पहले आया तो माइनस 10 फिर ऊपर की तरफ गए तो 10 I2 माइनस I1 क्योंकि I2 मैश करंट चल रहा है ठीक है। अब इस इक्वेशन से इन दो इक्वेशन से मेरे पास क्या आएगा मेरे पास आएगा I1 और I2 की वैल्यू ठीक है। I1 और I2 की वैल्यू आ गई आपको पूछोगे भाई I3 क्या हो गया यहाँ पे KCL लगा लो गई I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 KCL लग जाएगा तो I3 की वैल्यू भी आ जाएगी ओके। तो दिस इज द मेथड वी अप्लाइड इन मैस एनालिसिस। चलो नेक्स्ट फाइंड द नोड वोल्टेज इन द सर्किट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट और आ गया ठीक है। नोड वोल्टेजेस बोली है इसने ठीक है। अब नोड वोल्टेज यानी हम क्या लगाएंगे नोडल एनालिसिस ठीक है। क्यों फालतू मैश लगाए मैश क्योंकि इसने मुझे नोड वोल्टेज पूछा है तो मैं नोडल एनालिसिस ही लगाऊंगा ठीक है। तो कितनी नोड वोल्टेजेस हैं 1 2 3 4 एंड 5 5 हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है क्योंकि रेफरेंस नोड है तो 0 ले लिया उसको ठीक है। अब V1 V2 V3 V4 अब आप देख रहे हो कि नोड V1 और V2 के बीच में एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड हो गई प्लस माइनस तो ये क्या कहलाएगी एक सुपर नोड। दिस इज माय सुपर नोड ठीक है। अगर दो नोड्स के बीच में दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में अगर आपकी वोल्टेज सोर्स है तो उसे हम क्या कहेंगे सुपर नोड 1 ये आपकी एक वन फर्स्ट सुपर नोड है ठीक है। अब देखो V3 और V4 के बीच में भी क्या है एक वोल्टेज सोर्स है बट कैसी है डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है 3 Vx। अब ये Vx क्या है वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम ठीक है। तो आप ये सोच रहे हो कि यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आ गया है तो बहुत ईजी है कुछ नहीं है आपको। तो ये देखो ये आपकी सेकेंड नोड बन गई सुपर नोड सॉरी 2। तो अब आपको नोड वोल्टेज कितनी लगानी है आपको सिर्फ दो नोड वोल्टेजेस ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले इन दोनों के बीच में नोड वोल्टेजेस के बीच में आपके केसीएल लिखना है ठीक है। तो इस सर्किट को मैंने रीअरेंज करके ये बनाया है ये रहा दिस इज द रीअरेंज पार्ट ओके। और इसमें जो एक इक्वेशन है ब्लैक कलर की V1 V2 V3 कर दिया इसमें करंट मैंने डायरेक्शन मान लिया I1 इस डायरेक्शन में I2 इस डायरेक्शन में I3 इस डायरेक्शन में ये 10 एम्पियर है इसमें मुझे मानने की जरूरत नहीं है I5 I4 ठीक है मुझे ये कैलकुलेट नहीं करने ठीक है I1 I2 I3 मुझे तो नोड वोल्टेज चाहिए ठीक है। तो आप देख रहे हो नोड 1 एंड 2 सुपर नोड फॉर्म कर रही है एज इट इज सेम नोड 3 और 4 भी सुपर नोड कर रही है। तो आप पहले नोड 1 पे केसीएल इक्वेशन लिखो तो केसीएल इक्वेशन देखो सिंपल सी क्या आएगी I1 अगर आपने बाहर वाले करंट को ऐड किया है ये I1 बाहर की तरफ जा रहा है इधर भी बाहर की तरफ जा रहा है I2 ओके I1 प्लस I2 फिर नेक्स्ट इसमें देख रहे हो आप I3 और 10 एम्पियर अंदर की तरफ आ रहा है तो इक्वल टू I3 प्लस 10 एम्पियर ये केसीएल इक्वेशन हो गई। हमको V1 और V2 के बीच में नहीं पता कुछ भी है देखो वोल्टेज सोर्स है उसको मैंने हटा दिया आप हटाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है नहीं हटाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं मुझे इसमें करंट निकालना ही नहीं है सुपर नोड का कॉन्सेप्ट यही है ओके। तो ये केसीएल इक्वेशन काम बन गई इसके अंदर। अब बस निकाल लो व्हाट इज I1 I1 इज द करंट फ्लोइंग फ्रॉम V1 टू V4 तो क्या आएगा डायरेक्शन देखो तो V1 माइनस V4 अपॉन 3 ओम ओके। सेम एज इट इज I2 क्या होगा नीचे की तरफ जा रहा है तो V1 माइनस 0 अपॉन 2 ओके इक्वल टू नेक्स्ट I3 क्या जा रहा है इस डायरेक्शन में जा रहा है V3 से V2 तो V3 माइनस V2 अपॉन 6 ओके और 10 ऊपर लिख दिया ठीक है सिंपल इक्वेशन बन गई। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना आप इस डायरेक्शन को I3 को ऐसे भी मान सकते हो आपकी मर्जी है ठीक है तब इक्वेशन चेंज हो जाएगी मेरी ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि मैंने इसी डायरेक्शन में क्यों माना जो आपकी मर्जी उस डायरेक्शन में आप करंट मान सकते हो उसके अकॉर्डिंग आपकी इक्वेशन चेंज हो जाएंगी। चलो सुपर नोड 2 ये यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं। अब आप देख रहे हो I1 अंदर की तरफ आ रहा है यहाँ पे I1 अंदर की तरफ जा रहा है तो I1 को मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये तीनों यहाँ पे
i3, i5, i4 ये तीनों बाहर की तरफ जा रही, तो इक्वल टू दिस। अब इनके फॉर्म में मैंने इक्वेशंस लिख ली। ओके, तो मेरे पास अब चार अननोन है। अब आप सोच रहे हो भाई चार अननोन है लेकिन इक्वेशन दो, लेकिन अब एक मुझे क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वोल्टेज सोर्स भी गिवन है। देखो 20 वोल्ट है इसके बीच में, 1 वोल्ट V1 वोल्टेज और V2 के बीच में जो फेज डिफरेंस है, वोल्टेज डिफरेंस है सॉरी, वो क्या है 20 वोल्ट है। तो V1 माइनस V2 इज 20 वोल्ट, एक इक्वेशन मुझे ये मिल गई, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, V2 माइनस V1 नहीं है, V1 माइनस V2, क्योंकि जो हायर पोटेंशियल है उसको हम हाई रखें। ऐसे ही ये इक्वेशन देख सकते हो आप, व्हाट इज दिस, V3 माइनस V4, ये कितना आ गया 3Vx, ये गिवन है। ठीक है, अब आप पूछ रहे होंगे Vx की वैल्यू क्या होगी सर, तो Vx की वैल्यू सिंपल कुछ नहीं, यहां से Vx प्लस माइनस इस दोनों के बीच में डिफरेंस, तो Vx की वैल्यू कितनी होगी, V1 माइनस V4, यहां पे इसका पोटेंशियल कितना है V1, देखो ये नोड वोल्टेज है V1, और इसकी वैल्यू कितनी है V4, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ Vx, V1 माइनस V4, बस इक्वेशन नंबर थर्ड सी और इक्वेशन नंबर डी, Vx की जगह मैंने V1 माइनस V4, चार इक्वेशन चार अननोन, आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो सिंपल एक पेज के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा था, लेकिन आप क्या करोगे इसमें भी नोड वोल्टेज अलग लगाओगे, इसमें मैच लगाओगे, लंबा चलता रहेगा, तो सर्किट के क्वेश्चन को वही आप फिर एग्जाम में के सर बहुत लेंदी आया था, लेंदी आपने बना दिया। ओके, तो मैं को सिर्फ आपको आंसर सही लाना नहीं है, मुझे आपको ये भी सिखाना है कोई सर्किट के क्वेश्चन को सॉल्व कम से कम पेज के अंदर और कितनी जल्दी सॉल्व करें। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं मैथ एनालिसिस पे ये। तो हम क्या लिखते हैं इसको V3 ओके माइनस V4 अभी भी, क्योंकि इसने डायरेक्शन क्या दे रखा, हाई पोटेंशियल किसको मान रखा V3 को, इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3Vx। ओके, ये बन जाता है, समझ में आया, सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट से चलना, yes, sir, दिक्कत नहीं है। तो V3 माइनस V4 की वैल्यू माइनस 3Vx हो जाती है। ओके, चलो ये वाला सर्किट है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालना है, I1 से लेके I4 तक करंट निकालना है। ये तो मैथ एनालिसिस ने बोल दिया, अगर नहीं बोला होता तो भी हम किसको इसको नोडल एनालिसिस की जगह हम किससे सॉल्व करते हैं, मैथ से, क्योंकि इसने मैथ करंट से पूछे हैं। ये जो ब्लैक साइन में दिख रहे हैं आपको I1 I2 ये क्वेश्चन में गिवन है, मुझे कैलकुलेट करना है, दिस इज I1 I2 I3 I4। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मैशेस निकाल लो। चलो पहला कौन सा है, I1 ये दिख रहा है पहला मैश, दूसरा I2, सबको क्लॉकवाइज माना है तो कंफ्यूजन ही नहीं है, आप सोचो ही मत किसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सबको क्लॉकवाइज, एक ये तीसरा I3 ओके, फिर चौथा I4 ओके, इसके अलावा कोई मैश बन सकती है आपकी, फिर वो क्या बनेगा आपका, लूप बनेगा। ठीक है, चार इंडिपेंडेंट आपके पास मैशेस आ गए। ठीक है, अब उसके बाद में देखो इंपॉर्टेंट चीज जो आपको है, अब देखो मैंने बताया था सुपर मैश का रोल, ये करंट सोर्स प्रेजेंट है देखो यहाँ पे 5 एम्पियर किसके बीच में, लूप मैश 1 और मैश 2 के बीच में। तो हमने क्या कहा था कि इसकी जगह आप सुपर मैश लगा लो, तो मैं इसको हटा के ये दो मैशेस को हटा के एक ही मैश कर लिख दूं, ये बड़ा वाला बाय सुपर मैश रूल। ओके, क्योंकि 5 एम्पियर को हटा दूंगा मैं, केवल सिर्फ इसी लूप में ग्रीन वाले में बड़े में लगा दूंगा। ओके, चलो ये हो गया, एक और चीज कंसिडर कर लेते हैं। अब आप देख रहे हो मैश 2 के अंदर और मैश 3 के अंदर फिर से कॉमन है एक क्या, करंट सोर्स, तो इसके अंदर भी मैं इसको ना लगा के एक बड़ा वाला ये ब्लू सुपर मैश का रूल लगा दूंगा। ओके, समझ में आया, तो एक दो सुपर मैश बन रही है यहाँ पे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इन दो सुपर मैश को भी हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर सुपर मैश के अंदर हमने क्या किया था, जब ये ग्रीन वाला आया तब इसको हटा देते थे 5 एम्पियर को। ठीक है, ऐसे इन दोनों के बीच में आया तो इसको भी हटा देते थे, भाई ये दोनों हट ही गई, तो अब देखो मेरे पास दो सुपर मैश इंटरसेक्ट कर गई। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, ये बड़ा वाला ले लूं पूरा सुपर मैश यहां से लेके यहां में KVL, बस इतना ये फॉलो करो, क्योंकि ये दोनों 5 एम्पीयर और 3I0 मेरी अकॉर्डिंग टू सुपर मैश आपकी हट गई है। ठीक है, तो एक सुपर मैश बन गई मेरे पास
और दूसरी एक नॉर्मल मैश, इसको मैं हटा नहीं सकता, और ठीक है तो मेरे को सिर्फ दो इक्वेशन लिखनी होगी केवीएल की, सिंपल। ठीक है, समझ में आया क्या किया मैंने, ये चीजें मैंने लिखी हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर केवीएल लगाओ, चलो लगाते हैं 2i1, एक सेकेंड यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, 1 second, ओके ओके, यहां से चालू करते हैं, रेड कलर ले लेते हैं, 1 second, 2i1, ओके सेम इसी डायरेक्शन में, फिर हम यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ पे क्या आएगा 4i3, ओके इंपॉर्टेंट, फिर यहाँ गए तो यहाँ पे क्या आएगा 8i3 - i4, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हम यहाँ गए, यहाँ कुछ नहीं मिला, यहाँ कुछ नहीं मिला, फिर यहाँ गए 6 into i2, और ये मेरा लूप कंप्लीट, मैश कंप्लीट, इज इक्वल टू 0, तो एक इक्वेशन आ गई। ओके, मेरे पास 4 अननोन है तो 4 इक्वेशन चाहिए, तो कहां से बनेंगे वो देखेंगे। दूसरी इक्वेशन कौन सी, ये मैश में लगा लो, सिंपल क्या आएगा 2i1 + 10, फिर यहाँ गए तो 8 into i4 - i3, ओके दिस इज केसीएल एट, सॉरी केवीएल कहां पे लगाया मैंने, मैश 2 के अंदर। ठीक है, तो उससे पहले ये रहा अप्लाई केवीएल इन मैश 4। ठीक है, अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गए, मुझे दो इक्वेशन और चाहिए, तो सिंपल है, आप केसीएल लगाना पड़ेगा इस नोड पी पे, देखो केसीएल लग रहा है क्या, लग रहा है, क्या लगेगा, i2 = i1 + 5, गिवन है 5 मुझे, तो मैंने लिख लिया, तो पी पे ये आ गई, ऐसे एज इट इज क्यू पे देख लो आप, केसीएल क्यू क्यू पे 3i0 + i3 = i2, ये रहा 4 इक्वेशंस, तो 2 केवीएल इक्वेशंस बनी मेरे पास और 2 केसीएल। अगर आप 4 मैश इक्वेशंस लिखते पहले तो 4 केवीएल इक्वेशन बनती, तो कोई मतलब नहीं, और केवीएल इक्वेशन आप लगा भी नहीं सकते थे, क्यों, क्योंकि मुझे इसके अक्रॉस वोल्टेज नहीं पता, एज इट इज करंट के अक्रॉस वोल्टेज, तो मैं बता चुका हूं तुमको केवीएल, अगर आपकी करंट सोर्स प्रेजेंट है तो उसमें केवीएल नहीं लगा सकते, तो मुझे उसको हटाना ही पड़ेगा, बाई सुपर मैश रूल हमने हटा दिया। ओके, तो दिस इज 4 इक्वेशन, 4 करंट इक्वेशन, और मेरा आंसर आ गया, खत्म। तो ये कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, तो अपनी नोडल और मैश एनालिसिस खत्म हो चुकी है, प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बेसिकली हम और थोड़े से न्यूमेरिकल कर लेंगे और नया टॉपिक चालू करेंगे हमारा थ्योरम्स। ओके, अब उससे पहले एक सेकेंड, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, सेकेंड।